Hello everyone, good afternoon to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Sawal classes. And today we are going to discuss the MCQs from Chaucer again. Chaucer and Canterbury Tales obviously. क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये दो या सिर्फ एक टॉपिक अगर हम कैंटरबरी टेल्स का उठाएं चौसर के वर्क्स में से तो क्वेश्चंस आना उनमें से जो है वो एक श्योरिटी होती है. तो वी हैव टू प्रिपेयर इट इन क्वाइट अ डिटेल इन क्वाइट अ डेप्थ. तो ओके लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन सीरीज यू जस्ट हैव टू like the video, subscribe the channel and share it with your friends who are preparing for UGCNET English so that they can also avail the benefit of these series. और सावल क्लासेस का जो YouTube चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियोज कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें. गुड आफ्टरनून सीना, गुड आफ्टरनून अमन एंड आयशा, वेलकम टू द सावल क्लासेस. चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन नंबर वन फॉर ऑल ऑफ यू इज हूज नेम इज ह्यूबर्ट. इट्स एक्चुअली ह्यूबर्ट राइट, इट्स नॉट डी इट्स टी. हूज नेम इज ह्यूबर्ट इन द कैंटरबरी टेल्स. इज इट द फ्रायर, स्क्वायर, समनर और नाइट. एक्चुअल में इनके जो नाम या इनको जाना जाता है इनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, इनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो है उन कुछ जो पिलग्रिम्स हैं उनके रियल नेम भी दिए हुए हैं. तो कैंटरबरी टेल्स में ह्यूबर्ट किसका नाम है दैट यू हैव टू टेल मी. हु इज ह्यूबर्ट इन द कैंटरबरी टेल्स. इज इट द फ्रायर, द स्क्वायर, द समनर और द नाइट. हाँ जी, सो यस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. हूज नेम इज ह्यूबर्ट इन द कैंटरबरी टेल्स. इट इज द फ्रायर. निर्मल इट्स द फ्रायर. फ्रायर का नाम है बच्चे ह्यूबर्ट राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर टू. ड्यूरिंग चौसर्स पीरियड मेडिसिन वॉज कनेक्टेड विद. चौसर के पीरियड में मेडिसिन को किस चीज के साथ जो है रिलेट करा जाता था. फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और साइकोलॉजी. मेडिसिन वॉज एसोसिएटेड विद. It was associated with, yes, now you are absolutely right, Nirmal. It was astronomy. Stars ki study ke saath jo hai medicine ko relate kara jata tha. It was astronomy. All right? Haan ji, chaliye. Let us move on to question number 3. Which poem by Chaucer was written on the death of Blanche, wife of Gaunt? जो उसके फ्रेंड ड्यूक ऑफ गॉन्ट की जो है वाइफ थी ब्लांच, उसको डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखी थी जॉफरी चौसर ने. रॉयलिस एंड क्रिसीड, द बुक ऑफ द डचेस, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन, द हाउस ऑफ फेम. आई थिंक आई ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू. आई इवन गेव द हिंट दैट शी वॉज द वाइफ ऑफ अ ड्यूक. शी वॉज वाइफ ऑफ ड्यूक. So if she was wife of Duke, it means she was Duchess. ठीक है, मैंने खुद आपको hint दिया यहाँ पे. She was Duchess. हाँ जी, exactly. So it was the book of the Duchess. Right? It's the book of the Duchess. चलिए, let's move on to question number 4. What kind of clothes are worn by the squire? A velvet doublet and hose. Doublet जो एक मतलब कोट होता है एक तरह का. ठीक है, क्लोथ एम्ब्रॉयडर्ड विद फ्लावर्स, ग्रीन एंड पीकॉक ब्लू हंटिंग गियर और अ बीवर हैट. ही वॉज नोन फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथिंग. ही वॉज पॉपुलर अमंगस्ट ऑल द पिलग्रिम्स बिकॉज ऑफ हिज वी कैन से लिटिल बिट ऑफ गॉडी काइंड ऑफ क्लोथ्स. ही यूज्ड टू वेयर क्लॉथ्स एम्ब्रॉयडर्ड विद फ्लावर्स. एंड सीरियसली मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ओ माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शी इज आस्किंग, बट
आई जस्ट टेल यू कि इट हैज बीन माई एक्सपीरियंस दैट अगर कैंटरबरी टेल्स में से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो आपको ऐसे भी आते हैं, किसके चेहरे पे बहुत बड़ा मस्सा है, कौन कपड़े कैसे पहनता है, कौन सबसे गॉडी कपड़े पहनता है। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, किसके ब्रोच पे लव कॉन्कर्स ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, और स्पेशली कैंटरबरी टेल्स में से, यू नो, मतलब कैंटरबरी टेल्स में क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, यू नेवर नो। समटाइम्स लेट्स जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस, राइट। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड द पर्सन हु वाज गाइडिंग मी फॉर नेट प्रिपरेशन, एंड शी जस्ट टोल्ड मी दैट यू इवन गॉट टू लर्न इफ देयर आर सम एनिमल्स इन द नॉवेल्स व्हाट देयर नेम्स आर, डॉग नेम्स, है ना। जैसे आपको पता होगा कि वर्जीनिया वुल्फ ने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के डॉग फ्लश पे बायोग्राफी लिखी हुई है, तो उसी तरह से बड़े सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जिनमें उनमें पेट्स का भी नाम आता है। तो शी सेड कि यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ द पेट्स ऑल्सो, एंड आई समटाइम्स आई यूज टू फील लाइक कि अरे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं नेट में, एंड देन वेन द क्वेश्चन इज देयर यू फील लाइक ओ गॉड, you might have revised it or you might have studied it but you missed it, somebody just told you that you can prepare in this manner but still you missed it, so it's like these they can ask you from anything and everything, this is I think their criteria is they can ask you from anything and everything, right। so it's just we try to cover it up as much as we can, right। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वी मूव ऑन टू, हु इज ब्रांडेड बाय अ रेड हॉट पोकर इन मिलर्स टेल। रेड हॉट पोकर किसके चेहरे पे है, एप्सिलन, अलिसॉन, निकोलस और जॉन। मिलर की टेल में किसके चेहरे पे एक रेड हॉट पोकर है, मिलर्स टेल में। इट्स ऑन द फेस ऑफ निकोलस, राइट। निकोलस नाम का कैरेक्टर है मिलर में, मिलर की टेल में। तो निकोलस नाम का कैरेक्टर है, ठीक है। आई रिमेम्बर दैट इवन व्हेन द डे आई वाज गोइंग टू अपियर फॉर माय एग्जाम 8 जुलाई 2018, आई रिमेम्बर बिकॉज दैट वाज द बेस्ट डे आई कैन से, दैट वाज द टाइम व्हेन आई क्वालिफाइड माय एग्जाम। सो इन द मॉर्निंग आई डिडंट पिक एनीथिंग, बट मेरे दिमाग में यही था कि बस एक बार कैंटरबरी टेल्स जो है रिवाइज हो जाए, बट स्टिल स्टिल सी आई एम टेलिंग यू अगेन अ फैक्ट अ रियलिटी व्हाट आई डिड। देयर आर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस इन दैट एग्जाम फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स, उस साल 5 क्वेश्चन आए थे कैंटरबरी टेल्स में से। और मैंने आप लोगों को परसों एक क्वेश्चन पूछा था ना कि चौसर कौन सी टेल्स बताता है, मुझे टिप्स पे थे, बट स्टिल आई कमिटेड मिस्टेक, मैंने वो आंसर रॉन्ग मार्क किया, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच हैपेंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज द फॉर्म ऑफ अ फैबल्यू इन द कैंटरबरी टेल्स। एक तरह की स्टोरी होती है अगेन जो राइम में होती है, ठीक है, फैबल्यू उसको बोलते हैं, जो एक तरह की स्टोरी होती है जो राइम में होती है, एंड इट इज कॉमिक एज वेल, इट इज कॉमिक एज वेल, राइट। फ्रेंच लैंग्वेज से जो हैं ये आई हैं, ये इस तरह की स्टोरीज जो हैं जिनको फैबल्यू बोला जाता है। तो किसकी स्टोरी जो है वो फैबल्यू है, नाइट्स टेल, द नंस प्रीस्ट्स टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द मिलर्स टेल। इट इज एक्चुअली द मिलर्स टेल। लेट मी टेल यू द ट्विस्ट निर्मल, ठीक है। द वाइफ ऑफ बाथ वॉज अबाउट टू टेल फैबल्यू, जब वो अपनी कहानी शुरू करने वाली होती है तब वो कहती है कि मैं एक फैबल्यू सुनाऊंगी, बट देन शी शिफ्टेड टू रोमांस, राइट। फिर लेकिन उसने जो है नाइट्स की, शिवेलरी की स्टोरीज जो है, स्टोरी जो है, टेल जो है सुनानी शुरू कर दी। सो दैट वॉज द ट्विस्ट, राइट। कई कई जगह पे सी इवन थिंग्स कम टू माई माइंड, लेकिन कई कई जगह पे नहीं आ पाती। चलिए, विच इज द लॉन्गेस्ट टेल आउट ऑफ ऑल द टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स, फ्रैंकलिन्स टेल, द पार्टनर्स टेल, नंस प्रीस्ट्स टेल और पार्सन्स टेल। विच इज द लॉन्गेस्ट टेल, आई होप यू कैन आंसर दिस इजिली।
Which is the longest tail in the Canterbury Tales? Out of all the tails, which is the longest one? चलिए आई विल इट्स द पार्सन्स टेल. इट्स द पार्सन्स टेल बच्चे, पार्सन्स टेल. The Parson's tail is the longest one, and the shortest is Yeoman's. Shortest tail है Yeoman की. The shortest is by Yeoman. All right, चलिए. Now we move on to question number 8. In which story the conversion of Muslims to Christians take place? Yes, in my first lecture, I guided the students about the books they can follow. See, let me just tell you first. The books which are best to be followed, one is Routledge, right? Routledge's History of English Literature. Here you will get the background of the age. Routledge में आपको एज का, जो भी एज हम कर रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक है, एज वेल एज सम समरीज एज वेल. सारी की सारी नहीं मिलेंगी, कुछ समरीज भी मिलेंगी ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स. समरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स आपको जरूर मिलेंगी, राइट. अनदर गुड बुक विच यू कैन फॉलो इज डेविड डेशस, राइट. दैट इज डेविड डेशस. That is also a good book that is available in two volumes. ठीक है, when you order it from Amazon or any other site, you will get two books. So start reading it, Nirmal. Very interesting book. अगर history की बात करें तो मतलब बहुत boring लगती है history पढ़ना, but mark my words that Routledge is very easy book, is a very interesting one as well. Is a very yes. David Dacious is also a very good book, very like you can say elaborate one, but sometimes the wording is a bit difficult. Yes, that is what Aisha. It's a bit difficult to read. Yes. So most of the time I suggest students to follow Routledge. बच्चे एग्जाम ज्यादातर जून ते दिसंबर च हुंदा है. और तीसरी बात, थर्ड थिंग इज जॉइन अस. थर्ड थिंग आई वुड से इज जॉइन अस. वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट पेड ग्रुप्स एज वेल, राइट. सो जॉइन आवर ग्रुप्स एंड आई विल गाइड यू इन द बेस्ट मैनर एज आई कैन. All right, Aisha. Yes, that but WJ long is like very brief. So how much did you score, Aisha? How much did you score? You got the results yesterday? What about the result? But if we will inform you about it in a day or two. Maybe most probably on Monday we will announce everything on the platform. All right, Nirmal, just keep preparing. All the best to you. चलिए. So yes, this was the question we were discussing. In which story the conversion of Muslims to Christians takes place? किस स्टोरी में कन्वर्जन दिखाया गया है? The Cook's Tale, The Man of Law's Tale, द रीव्स टेल और द मिलर्स टेल. इन विच स्टोरी द कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम्स टू क्रिश्चियंस इज डिपिक्टेड और टेक्स प्लेस? इन द कुक्स टेल, द मैन ऑफ लॉज टेल, द रीव्स टेल और द मिलर्स टेल. इफ एनीबडी हैज एन आइडिया. हां जी,
It takes place in the Man of Law's tale. See, it is easy to learn ना, ये चीज याद रखना भी याद रहेगा. कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं. तो इट टेक्स प्लेस इन द मैन ऑफ लॉ लॉज टेल. ओके, नेवर माइंड आयशा, देयर विल बी अनदर चांस. आई वॉज नॉट वेल परवीन, आई वॉज नॉट वेल. कांट से एनीथिंग इज येट परम. मुझे लगता है ये वाला साल एज इट इज चलेगा क्योंकि ओके निर्मल, बट ओके सो यू मस्ट हैव मेड इट थ्रू. डिड यू मेड इट? बट वॉट एक बार पहले भी ऐसे हुआ था जब साल में नेट का एग्जाम एक ही बार हुआ था, ठीक है? तो पिछले साल का भी वो एक ही मान के चलेंगे, इस बार जो है वो उसी अकॉर्डिंग जो चलेगा. ओ दैट विल बी सो नाइस निर्मल, बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग दैट ऑल द गुड स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9. विच आर द ओनली टू कैरेक्टर्स हु truly seem to uphold Christian idols? The miller and the cook, the summoner and the pardoner, the narrator and the host, the parson and the ploughman. ठीक है, बहुत करप्शन दिखाई है रिलीजन से रिलेटेड कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने, लेकिन कौन से दो कैरेक्टर्स हैं जो बहुत जो क्रिश्चियन आइडल्स को ट्रूली बहुत ईमानदार हैं, बहुत सच्चाई से फॉलो करते हैं? वेरी राइट निर्मल, यस इट्स द पार्सन एंड द प्लाउमैन. Very good. It's the parson and the ploughman. Absolutely right, Aisha. All right. Question number 10. From which book of Boccaccio Chaucer's The Canterbury Tale was inspired? हाँ जी, Boccaccio के कौन सी बुक में से Chaucer ने inspiration ली थी to create this famous work of his Canterbury Tales? Philostrato, Cassia di Diana, Testida or Le Amato? From which work of Boccaccio Chaucer's The Canterbury Tales was inspired? From which work of Boccaccio हाँ जी, अब कौन श्योर है आप में से? निर्मल, आयशा, निर्मल यू हैव गिवन मी द आंसर बी, आयशा इज गिवन द आंसर ए, सो हु इज श्योर? इट्स एक्चुअली फिलोस्ट्रेटो, यस इट्स फिलोस्ट्रेटो. ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. हु कॉल्ड चौसर द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? किसने चौसर को बोला द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और क्रिस्टोफर मार्लो? द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, कुआं है कि चौसर इंग्लिश का और जिसको कोई डिफाइल नहीं कर सकता. द राइट आंसर इज हु सेड दिस? इट वॉज सेड बाय एडमंड स्पेंसर, not Ben Jonson. It was said by Edmund Spenser. All right, चलिए, question number 12. In which year Chaucer was imprisoned by the French? किस साल में चौसर को जो है French government ने imprison करके रखा था? 1340, 1360, 1350 और 1380. In which year Chaucer was imprisoned by the French? Chaucer imprisoned by French. In which year? The French government
It was during 1360. 1360. Yes, very right, Sina. Absolutely right, बच्चे. It was 1360. Very, very good. Very, very good. जब डेट्स बच्चे अच्छे से याद रख के आंसर सही बताते हैं ना, बड़ी खुशी होती है मुझे. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. चौसर बिकेम द फर्स्ट राइटर टू बी बरिड इन व्हाट हैज सिंस कम टू बी कॉल्ड पोएट्स कॉर्नर इन. हाँ जी, पहले राइटर थे चौसर, पोएट्स कॉर्नर में बरी होने वाले. एंड वेयर इज दैट पोएट्स कॉर्नर? आई थिंक इट्स वेरी इजी टू आंसर. यस, इट्स द वेस्टमिंस्टर एबे. वेरी वेरी राइट, वेस्टमिंस्टर एबे में, पोएट्स कॉर्नर में उनको जो है बरी किया गया था. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14. पियर्स प्लोमैन इज अ सटायर, अ बैलेड, एन एलेगोरिकल पोएम और एन एलेजी. व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट इज द सब यानर? व्हाट इज द सब यानर ऑफ पियर्स प्लोमैन? इट्स अ सटायर, इट्स अ बैलेड, एन एलेगोरिकल पोएम और एन एलेजी. पियर्स प्लोमैन बाय विलियम लैंगलैंड. व्हाट इज द यानर ऑफ पियर्स द प्लोमैन? इट्स अ सटायर, इट्स अ बैलेड, इट्स एन एलेगोरिकल पोएम और इट्स एन एलिजी. इट्स एन एलिगोरिकल पोएम, राइट? इट्स एन एलिगोरिकल पोएम. चलिए, क्वेश्चन नंबर 15. बिफोर क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन प्लीज. यू जस्ट हैव टू टाइप योर नेम, आपका यूजीसी का सब्जेक्ट, और उनको भेज दीजिए. इन नंबर्स पे यू विल बी एडेड इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? बड़ी जल्दी आप लोगों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन कर लिया जाएगा. यू विल गेट द स्टडी मटीरियल फॉर योर एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ दीज इज चौसर्स लॉन्गेस्ट पोयम? इनमें से चौसर की लॉन्गेस्ट पोयम कौन सी मानी जाती है? बच्चे, वी आर इन द प्रोसेस. आयशा, आजकल में प्रॉपरली हो जाएगा सब कुछ एंड यू विल बी एडेड इन दैट. लॉन्गेस्ट पोयम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड और द कैंटरबरी टेल्स. द लॉन्गेस्ट पोयम बाय जॉफरी चौसर. लॉन्गेस्ट इज राइट, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड. वेरी राइट, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड इज द लॉन्गेस्ट वन बच्चे. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. कैंटरबरी टेल्स इनकम्प्लीट भी तो है. इन विच लैंग्वेज डिड चौसर राइट हिज बुक ऑफ द डचेस? बुक ऑफ द डचेस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ वर्क है चौसर का? यूज टू राइट इन थ्री लैंग्वेजेस, राइट? तो बुक ऑफ द डचेस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश और लैटिन. बच्चे, कैंटरबरी इज कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट ना, दैट इज वाई उसको इसमें नहीं आंसर मतलब आंसर में इंक्लूड किया गया. चौसर राइट बुक ऑफ डचेस किस लैंग्वेज में लिखा था? बुक ऑफ द डचेस जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि उसने वाइफ ऑफ गॉन्ट को जो है वो डेडिकेट करी थी. बुक ऑफ द डचेस, इट वॉज रिटन इन फ्रेंच, लैटिन, ओ सॉरी, इटालियन, इंग्लिश और लैटिन. लैटिन में तो वो नहीं लिखते थे, ठीक है? तो दिस गॉट कैंसल्ड. तो अदर थ्री लैंग्वेजेस, इट वॉज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट वॉज रिटन इन मिडिल इंग्लिश, ठीक है जी? चलिए, इट वॉज रिटन इन मिडिल इंग्लिश. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 18. विच वर्क ऑफ चौसर हैज बीन कॉल्ड अ नॉवल इन वर्स? चौसर के किस वर्क
वर्क को अ नॉवल इन वर्स बोला जाता है। विच वर्क बाय चौसर इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स? द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। नॉवल इन वर्स। चौसर्स नॉवल इन वर्स इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, हाउस ऑफ फेम और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इट इज Yes, it is the legend of good women, right? Seena and Nirmal, it is the legend of good women. Chaliye. Question number 18. To whom did Chaucer serve as a page before starting his career as a writer? किसको चौसर ने एक पेज के तौर पे, एक मैसेंजर, पेज जो है एक सर्वेंट बोल सकते हो, एक नॉर्मल जो है मैसेंजर बोल सकते हो, आपके तौर पे सर्व किया? किंग एडवर्ड थ्री, डचेस ऑफ लांसेस्टर, एलिजाबेथ और जॉन ऑफ गॉन्ट। हेलो प्रियंका, रिजल्ट कैसा रहा आपका? इट वॉज क्वीन एलिजाबेथ। ही सर्व्ड एज अ पेज टू क्वीन एलिजाबेथ बिफोर बिगिनिंग हिज करियर एज अ राइटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। Which poem of Chaucer depicts a vision of birds? अरे नहीं, ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है निर्मल। Which poem of Chaucer depicts a vision of birds gathered to choose their mates on St. Valentine's Day? The House of Fame, the Parliament of Fowls, the Legend of Good Women or none of these? Chaucer की कौन सी poem है जिसमें birds को दिखाया गया है? ओह वेरी गुड प्रियंका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, रियली अ प्राउड मोमेंट। ऑल राइट, हां जी, किस, ये कौन सी पोयम जो है चौसर की इस थीम पे बेस्ड है? हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और नन ऑफ दीज। It is the Parliament of Fowls, right? It's the Parliament of Fowls. चलिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि गैदरिंग से याद रख सकते हैं आप पार्लियामेंट, ठीक है? नो डाउट पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वेयर पीपल चूज देयर मेट्स, बट एक्चुअली द नेम सजेस्ट्स, आप थोड़ा हिंट इस तरीके से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Which of these is also an unfinished work of Chaucer? इनमें से और कौन सा, Canterbury Tales जो है वो unfinished work है, ठीक है? इस उसके अलावा और कौन सा work है जो Chaucer का unfinished work माना जाता है? The Legend of Good Women, The Parliament of Fowls, Troilus and Cressid और The Remount of Rose, The Remount of Rose। इन चारों में से कौन सा जो work है चौसर का अनफिनिश्ड है? द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड और द रिमाउंट ऑफ द रोज। थैंक यू सो मच प्रियंका, बट इट्स ऑल योर हार्ड वर्क बच्चे, इट्स, मैंने आप लोगों को सिर्फ गाइड किया है जो मेरी ड्यूटी है, ठीक है? पर आप लोगों ने उसके बाद किस तरीके से मेहनत करी है वो भी बहुत डिपेंड करता है ना,
वो भी बहुत जरूरी था, तो आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है. यू वर ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. आई नो यू विल बिकम अ गुड टीचर. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर फ्यूचर. यस इट इज वेरी राइट अगेन सीना. यस द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इज एन इनकम्प्लीट वर्क. इट इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट वर्क. क्वेश्चन नंबर 21. एलिसन इज पॉपुलरली नोन एज डैश इन द कैंटरबरी टेल्स. एलिसन किसका नाम है? नन का, प्रायरस का, द वाइफ ऑफ बाथ का और ऑल ऑफ दीज. हु इज ऑल्सो नोन, जैसे ह्यूबर्ट हमने पूछा अभी. ह्यूबर्ट जो है नाम है लाइक अभी हमने करा था पार्सन का आई थिंक, है ना. तो एलिसन किसका नाम है? इज इट नन, इज इट प्रायरस, इज इट द वाइफ ऑफ बाथ और ऑल ऑफ दीज? Whose name is Ellison? It's the prioress, बच्चे. Sorry, sorry, yes, it's the wife of the bath. The wife of the bath. It's not the nun. It's not the nun. प्रायरस का नाम था मैडम एग्लेंटाइन. प्रायरस का नाम था मैडम एग्लेंटाइन. सो इट्स द वाइफ ऑफ बाथ. इट्स द वाइफ ऑफ बाथ, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 वी मूव ऑन टू. And question number 22 is, whose tale tells the story of a carpenter at Oxford who was rich as well as miserly? किसकी story? एक carpenter की story है जो Oxford में carpenter है और rich भी है, miserly भी है. The Reeve, the Miller, the Franklin or the Cook? Whose tale tells about the carpenter? It is the miller. Absolutely right. Absolutely right this time. Yes, it's the miller. जिसकी स्टोरी एक कारपेंटर की स्टोरी होती है. क्वेश्चन नंबर 23. द लाइंस, शी वॉज अ वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ. हाउसबॉर्न्स मीन्स हस्बैंड्स. एट चर्च डोर शी हैड फाइव. ठीक है, लाइन से हमें पता चल रहा है दैट इट इज अबाउट वाइफ ऑफ बाथ, जिसने 5 बार शादी करी हुई थी. ठीक है, लेकिन ये लाइन्स किस चीज का एग्जाम्पल है? द क्वेश्चन रिमेन इनकम्प्लीट आई थिंक. ब्लैंक वर्स, क्लेरियो, हेरोइक कपलेट और फ्री वर्स किस चीज का एग्जाम्पल है ये लाइन्स? दीज लाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ हेरोइक कपलेट. दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन विच रिमेन इनकम्प्लीट. येस, वेरी राइट हरप्रीत. अर्लियर ऑल्सो यू गिवन द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. चॉसर्स पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज इन पार्ट अ पजल, अ डिबेट, a threnody or a beast fable. Parliament of Fowls kya kya yarners ko mila ke create kara gaya hai? Puzzle, debate, threnody or beast fable. Parliament of Fowls is a kind of, it is a kind of, it's a kind of puzzle, right? It's a debate and it's a beast fable, right? So the right answer is 1, 2 and 4. It's 1, 2 and 4. It's a puzzle, it's a debate and it's a beast fable also. Chaliye. Question number 25.
लैंगलैंड्स पियर्स प्लाउमैन इज अ सटायर ऑन. पियर्स प्लाउमैन किस चीज पे सटायर है जो लैंगलैंड का लिखा हुआ है? इट्स अ सटायर ऑन एरिस्टोक्रेसी, शिवेलरी, पेजेंट्री और क्लर्जी. इट्स अ सटायर ऑन Pierce Plowman by Langland is a satire on It's a satire on peasantry. बच्चे Plowman किसको बोलते हैं जो हम इस तरीके से लिखते हैं? Plowman. It's a satire on peasantry. हां जी, किसानों पे. चलिए क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज इट दैट चौसर फोकसेस ऑन इन द डिपिक्शन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन द कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने जो है वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर के जरिए किस एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया है? मीकनेस, डिफाइंस, एक्सपीरियंस और चेस्टिटी. हां जी, कौन सा वर्ड सही सूटेबल करता है वाइफ ऑफ बाथ को? कि वो मीक है. मीक का मतलब निर्मल. मीक मीन्स क्या वो चुपचाप सी है, चेस्ट है, पांच आदमियों से शादी करी है उसने. एक्सपीरियंस, सिंपल, एज सिंपल एज दैट. हर लाइफ शोज एक्सपीरियंस, शी इज नॉट चेस्ट. यस, डिफेंसिव भी है लेकिन एक्सपीरियंसेस की बातें करती है. हमने जब एक क्लाइंट जो है परसों किसी एक जो है पहले एमसीक्यू में डिस्कस करी थी कि वो क्या बताती है, दैट व्हाट अ वुमन डिजायर्स, तो वो कैसे बता रही थी, कैसे बता रही थी, वो एक्सपीरियंस से ही बता रही थी ना, है ना, जो उसने बताया था दैट वुमन वांट्स सोवरेनिटी ओवर देयर हस्बैंड्स. सो शी वाज टेलिंग दिस विद हर एक्सपीरियंस. तो चौसर ने फोकस उसके एक्सपीरियंस पे करा है. डिफाइंस का मतलब बताइए आयशा. डिफाइंस मतलब लड़ाकी है, अब हर बात पे मतलब जो है जवाब देती है, डिफेंड करती है, वो भी नहीं है, ठीक है, तरीके से बात करती है. मीक, मीक चुपचाप सी, चुपचाप सी बिल्कुल नहीं है वो, राइट. और चेस्ट भी नहीं है. चेस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज शी इज मैरिड 5 times, है ना. सो इट शोज हर एक्सपीरियंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैंटरबरी टेल्स इज करेक्ट? द जनरल प्रोलोग इज अपेंडेड टू द कैंटरबरी टेल्स. इन ऑल चौसर टेल्स 30 टेल्स इन टोटल. द कैंटरबरी टेल्स रिमेन अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर. द वाइफ ऑफ बाथ, द क्लर्क, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट एंड फ्रैंकलिन आर कैरेक्टर्स एंड स्टोरी टेलर्स. यू ऑल कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई नो दैट. बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, बड़ी इजीली जवाब देंगे आप लोग, मुझे पक्का पता है. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन तीनों में से? वेरी वेरी राइट. यस, इट रिमेन्स अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर्स डेथ. ये अनफिनिश्ड वर्क था चौसर का. वेरी राइट हर्षित, वेरी राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 28. द प्लाउमैन इन चौसर्स वर्क इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्यूटी, इंटेलिजेंस, सिंप्लिसिटी और हार्डनेस. प्लाउमैन चौसर के वर्क में, चौसर के जो कैंटरबरी टेल्स में, ठीक है, पियर्स प्लाउमैन वाले पे वापस मत चले जाना. कैंटरबरी टेल्स में जो प्लाउमैन है वो किस चीज को पर्सोनिफाई करता है? ब्यूटी, इंटेलिजेंस, सिंप्लिसिटी और हार्डनेस. The plowman in Chaucer's work is a personification of, yes, absolutely right, Aisha. It's simplicity. Simplicity, absolutely right. We'll tell you, Nirmal. हमने अभी कुछ plan नहीं करा है बच्चे. Most probably Monday तक सारी announcement हो जाएगी. कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया भाई.
The Man of Law's Tale is a romantic pathetic tale, non-romantic pathetic tale, satire और ironical. किस तरह की story है Man of Law की जो story है जिसमें conversion दिखाया है ना, conversion दिखाया है Muslims का towards Christianity. So it's a romantic pathetic tale, non-romantic pathetic tale, it's a satire or it's ironical. It is, Hanji, Man of Law's tale is what kind of a tale? Very right, yes, Sina, it's ironical, absolutely right, it's ironical. Chaliye, question number 30. What is the actual name of the prioress? मैं आप लोगों को already बता चुकी हूँ, Madam Eglantine. Madam Eglantine is the actual name of the prioress. All right. Question number 31. What does fablu means? Having or showing the signs of a fever, denoting or relating to companies of travelers on pilgrimages, comical and grotesque writers, stories where characters thrive by the wit, curved like a sickle or hooked. And again, that answer have also already been given to you. So these are comical and grotesque, thodi si weird. Grotesque ka matlab hota hai thodi si weird, thodi si ajeeb tarah ki sound karne wali kahaniyan hoti hain, lekin unme wit ka role bahut zyada hota hai, witty humor hai na, witty talks ka role bahut hota hai. Question number 32. What is Cook's real name? Cook ka real name kya hai? Geoffrey Chaucer, Harry Bellay, Roger of Ware or Roger Warren? What is the real name of the cook in Canterbury Tales? What is the real name of the cook in Canterbury Tales? Is it Geoffrey Chaucer, Harry Bellay, Roger of Ware or Roger Warren? It is Roger Warren. It is Roger Warren. All right. Chaliye. Question number 33. Which of the following quotes describe the parson? Parson ko puri tarah se kaun si quote jo hai inme se define karti hai? A manly man to being an abbot able, he taught and first he followed it himself. Somewhat he lapsed for his wantonness of his wife's children were affair. Hanji. पार्सन को कौन सी लाइन सही तरह से जो है डिस्क्राइब करती है? पार्सन के बारे में बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो कोट है इनमें से कौन सी है जो उसको उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है? हम पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं पार्सन और प्लाउमैन दो जो थे वो ट्रूली रिलीजियस जो लोग थे, राइट? सो ही टॉट एंड फर्स्ट ही फॉलोड इट हिमसेल्फ, ठीक है? वो यस राइट हर्षित, वो टीच करता था लेकिन पहले खुद भी फॉलो करता था, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द पिलग्रिम्स, कौन इसमें से पिलग्रिम नहीं था? शिपमैन, रीफ, प्लाउमैन और स्कूल टीचर. Which of the following was not one of the pilgrims? Yes. Hurry up. It was the school teacher. Nirmal, मैंने आपको पहले एक जो है बताया नहीं था, ship का नाम नहीं बताया था मैंने आपको किसी एक MCQ में. Shipman का नाम नहीं था लेकिन उसकी ship का नाम बताया हुआ था. Right, Harshit and Harpreet. Bilkul, school teacher is not the character. Okay, question number 35 and the last question. Which of the seven deadly sins is most used in the pardoner's tale? Hanji, kaun sa seven deadly sin jo hai pardoner ki tale mein oft repeated hai? Lust, greed, sloth or anger? Yes, which one of the seven deadly sins? Pardoner's tale, and it is very easy to answer, let me tell you. Very right, Nirmal, it's greed. Kyunki wo paise leke logon ko pardons deta tha, hai na?
पैसे दे के लोगों को पार्डन्स देता था. एब्सोल्यूटली राइट, एब्सोल्यूटली राइट. हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आपका. ठीक है जी, तो बीच बीच में जो है मैं इस तरीके के ऐसे जो है क्वेश्चन वापस लेके आती रहूंगी, वापस आपको जो है जो हमारा पीछे वाला जैसे होता जाएगा है ना, उसमें से कुछ जो है जैसे अभी हमने कैंटरबरी टेल्स और चौसर को कंप्लीट कर लिया है, तो वहां से मैं वापस से और क्वेश्चंस बीच बीच में लाइक अ सरप्राइज आई विल कीप ऑन एडिंग देम फॉर योर बेनिफिट और आप लोगों को चेक करने के लिए बीच बीच में ऐड करती रहूंगी. फॉर टुमोरो यू विल बी प्रिपेयरिंग द राइटर्स जो आप लोग प्रिपेयर करोगे दैट विल बी फ्रॉम द एज ऑफ रिवाइवल. राइट, एज ऑफ रिवाइवल आप प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, इसका बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगे एमसीक्यूज से रिले एमसीक्यूज जिसमें से मैं डालूंगी आपको, विच इज फ्रॉम 1400 टू 1550, 1400 से 1550 तक का जो पीरियड है. राइट, और इसमें बेसिकली जो राइटर्स आप प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी इरास्मस, थॉमस मोरे जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, ठीक है, विलियम टिंडेल, दीज विल बी द थ्री राइटर्स यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो. राइट, दीज विल बी द थ्री राइटर्स यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो. नो आइडिया इज येट निर्मल, कोई अभी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है. अगर ऐसा कुछ हुआ तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, यू विल बी इन्फॉर्म फॉर दैट. ऑल राइट, फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन एनी ऑफ दीज टू नंबर्स. थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, कीप प्रिपेयरिंग एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम.